सो गुड मॉर्निंग, हम आज की क्लास शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम स्पेशल कास्टिंग मेथड के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की बात करेंगे। इस क्लास के पहले हमने दो तरह की स्पेशल कास्टिंग के बारे में बातचीत कर ली है। पहली थी डाई कास्टिंग, जिसमें हमने हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग, कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग पढ़ा था, और सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, जिसमें हमने ट्रू सेंट्रीफ्यूगल, सेमी सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूज कास्टिंग के बारे में जाना था। यहां पर क्लास के पहले मैंने आपको YouTube वीडियो दिया था, नोट्स के 5 और 6 पेज के बारे में कहा था, बुक या क्यू में पढ़ने के लिए कहा था, और ये प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की बात की थी कि इसका नाम इन्वेस्टमेंट क्यों है, इसके स्टेप्स क्या है और कहाँ उपयोग होता है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इसकी जो स्टेप्स है पार्ट नंबर 2, ये थोड़ा हमको समझने में दिक्कत होती है, इसलिए हम यहीं से शुरुआत करेंगे। और क्यों और कहाँ, इसके पहले हम ये जो मैं यूट्यूब की लिंक है, इस लिंक से पहले देखेंगे हम कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। यहाँ पर मैं अब डायरेक्ट आता हूँ यूट्यूब की लिंक पर, और इस यूट्यूब की लिंक में आप देखेंगे कि एक एनिमेशन पिक्चर हमने ली हुई है, और इस एनिमेशन में ये बताया गया है कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में होता क्या है। छोटी सी एक यूट्यूब एनिमेशन है, उसको अपन देखते हैं। ये फॉर एजुकेशन के माध्यम से ली गई है, और इसमें आप देखेंगे कि वीडियो जो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग है हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम देखें तो ये पाएंगे कि इसकी पहली स्टेप जो है वो है वैक्स पैटर्न बनाना, मोल्डिंग ऑफ वैक्स पैटर्न, मोल्डिंग ऑफ वैक्स पैटर्न यानी मोम, मोम का वैक्स पैटर्न बनाना। और इसमें मोम के वैक्स पैटर्न में आप देखेंगे कि एक ये डाई है, ये डाई बनी हुई है। डाई को बनाने के लिए यहाँ पर ये जो लिया गया है, ये हम पहले गुटका या मेटल के पैटर्न से ये डाई कास्टिंग बनाते हैं। डाई मीन्स हार्डन मटेरियल की होती है, तो ये हमने डाई बनाई हुई है पैटर्न यूज करके वुड या मेटल का। हम इसके बाद देखें इसमें, इस डाई में ये एक स्पेस दिया गया है, यहां से हम इंजेक्शन करेंगे वैक्स का, तो ये कहलाएगी इंजेक्शन मोल्डिंग। ये देख रहे हैं आप, ये डाई के दो हाफे बंद हुए, यहां से अब हम इंजेक्ट करेंगे वैक्स को, दिस इज बाय इंजेक्शन मोल्डिंग। तो इंजेक्शन करने से वैक्स क्या होगा कि ये जो अपना डाई के अंदर जो शेप है पैटर्न, उस शेप का हमें मोम का पैटर्न मिल जाएगा, दिस इज अवर वैक्स पैटर्न। ये देखिए आप, ये वैक्स पैटर्न आपका तैयार हो गया। तो हम सबसे पहली बात वैक्स पैटर्न को तैयार करते हैं इंजेक्शन मॉल्डिंग के द्वारा मेटल डाई में। मेटल डाई बनाई जाती है वुड या मेटल के पैटर्न से। अब ये जो हमारा पैटर्न जो है, ये हमारा एक पैटर्न वैक्स का बाहर आ गया। इस तरह से हम कई नंबर ऑफ वैक्स पैटर्न्स बनाएंगे और फिर हम इनका बनाएंगे ट्री। तो सेकंड स्टेप, पहली स्टेप थी हमारी वैक्स पैटर्न बनाना, अब हम पैटर्न असेंबली करेंगे या एक ट्री शेप बनाएंगे, जिसमें कि हम नंबर ऑफ डिफरेंट तरह के हमारे पास पैटर्न्स है, नंबर ऑफ पैटर्न्स है। ये जो हमने लिया है वैक्स का ही है, मोम का ही है, ये स्क्रू कहलाता है या राइजर जिसमें से मेटल डालेंगे, ये हमारे गेट कहलाएंगे छोटे छोटे, और यहाँ पर हम हमारी पैटर्न जो वैक्स के बनाए हुए हैं उनको लगा देंगे। पैटर्न को लगाने के बाद आप देखेंगे ये ट्री शेप तैयार हो जाता है, तो ये हमारा ट्री बन करके तैयार हो जाएगा। अब इस ट्री के बाद हम देखेंगे आगे, जब ट्री हमारा आगे चलेगा तो इस ट्री को लेकर के हम
इट स्लरी होगी, स्लरी मीन्स वैक्स पैटर्न, स्लरी मीन्स आप देखिए कि स्लरी थिक पेस्ट होता है सिरेमिक मटेरियल का, सिरेमिक मतलब जो अग्निरोधक या रिफ्लेक्टिव मटेरियल के होते हैं। तो ये जो वैक्स का पूरा बना हुआ है, ये आपको ब्लू कलर ग्रीन कलर वाला दिख रहा है, लेकिन प्योरली वैक्स से डिफरेंशिएट किया गया है कि ब्लू कलर जो है वो आपका स्प्रू या गेट है और जो ग्रीन कलर है वो आपके पैटर्न है। तो ये आप देखिए डिप कर रहे हैं आप इसको स्लरी में, ये जो आपको स्लरी दिख रही है मतलब थिक पेस्ट, ये किसका है अपना सिरेमिक का, सिरेमिक स्लरी, ये जो अपन ने लिया सिरेमिक स्लरी, इसमें अपन ने इसको डिप किया। सिरेमिक मतलब रिफ्रेक्टरी मटेरियल है, अग्निरोधक मटेरियल है, लेकिन पेस्टेड फॉर्म है, तो उसमें हमने इसको डिप किया। एक बार हम इसको डिप करते हैं इसमें, अब चूंकि पेस्टेड फॉर्म में है तो हम नेक्स्ट इसकी जो डिपिंग करेंगे वो स्टको में करेंगे। स्टको आपको एक अगली टर्म आएगी STUCCO, स्टको, ये देखेंगे आप यहाँ पर STUCCO। स्टको का मतलब होता है कि ये जो आपके ये जो लगे हुए आपके ग्रेन्स, ये भी डिफ्रेक्टिव मटेरियल के हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये रेत है हमारी, रेत वी कैन से मतलब रफ लैंग्वेज, बट इट इज अ स्टको, स्टको ग्रेन्स मतलब रिफ्लेक्टरी ग्रेन्स, वो देखेंगे तो आप रिफ्लेक्टरी मटेरियल की सलरी थी जो आपको दिख रही है अभी इसमें, अब ये जो है आपके ग्रेन्स है। तो स्लरी में डिप करने के बाद फिर हम इस ग्रेन्स में, रिफ्लेक्टरी ग्रेन्स में या अग्निरोधक ग्रेन्स में या सिलिका ग्रेन्स में इसको डिप करेंगे एक बार, तो एक लेयर देखेंगे आप इसमें बन जाएगी। इसके बाद हम इसको डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट हम इसको मल्टीपल टाइम्स जो है इसी ग्रेन्स में डिप करते हैं। आप देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनती जाएंगी इसके ऊपर, जो आपकी सैलरी थी उसके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनेंगी। अभी ये पहली लेयर बनी है, ये जो था आपका सैलरी कोटिंग है, सैलरी के ऊपर आपका जो है पहली कोटिंग आई आपकी स्टको, फर्स्ट कोटिंग। इस तरह से आप जितनी बार इसको इसमें डिप करते जाएंगे उतनी बार आप देखेंगे कि इसमें जो है कोटिंग होती जाएगी। तो यहाँ पर अब हम आगे देखें तो आप देखेंगे आगे कि एक कोटिंग, दो कोटिंग, तीन कोटिंग, इस तरह से आपकी कोटिंग्स बनती जाएंगी। से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो कोटिंग्स है, नंबर ऑफ कोटिंग्स आप जितनी बार डिप कर रहे हैं उतनी बार यहाँ पर ये कोटेड होता जा रहा है। अब ये कोटिंग बन गई, देखिए आप यहाँ पर सेकंड कोटिंग ले ली है, मतलब वही डिप करके आगे और देखते हैं, आगे और किया, थर्ड कोटिंग ली है, थर्ड कोटिंग पर हम आ जाते हैं, ये थर्ड कोटिंग तक पहुंच गया था। तो पहली बार डिप किया फर्स्ट कोटिंग, सेकेंड कोटिंग, थर्ड कोटिंग, किसमें किया हमने, ग्रेन्स में, इसको क्या बोलते हैं स्टको, STUCCO, स्टको में हमने यहाँ पर डिप किया। अब डिप करने के बाद जब हमारे पास कोटिंग्स अवेलेबल हो गई तो अब हमको क्या करना है कि हमारे पास आप देखिए पहले मोम था, उसके ऊपर हमने सिरेमिक मटेरियल का पेस्ट का कोटिंग किया, इसके बाद फिर हमने रिफ्रेक्टरी ग्रेस की कोटिंग की। अब हम स्ट्रिंग को ले जाकर के देखेंगे तो हम इसको रख देंगे हीटर के सामने। हीटर के सामने रखने पर नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है कि ये जो इसके अंदर मोम है वो पिघल करके बाहर आ जाएगा। ये देखिए दो हीटर है यहाँ पर, आप देखेंगे कि अब ये जो हमने मोम बनाया था, मोम का पहले मोल्ड बनाया था, पैटर्न का ट्री बनाया था, पैटर्न था, स्प्रू था और गेट थे, अब उसके अंदर गर्म करने से यहाँ पर आप देखेंगे कि ये मेटल जो है आपकी वैक्स जो है वो पिघल करके आपकी बाहर आ जाएगी। देखिए आपको हीटर है, हीटर ने गर्म किया, चूंकि ऊपर तो रिफ्लेक्टरी मटेरियल तो वो पिघलेगा नहीं, मोल्ड ट्री में से और आपकी जो भी वैक्स होगी या मोम होगा वो पूरा का पूरा जो है आपका बाहर निकल आएगा। तो यहाँ पर ये दिख रहे हैं आप कि ये देखिए मोम का निकलना शुरू हुआ, ड्रेन आउट ऑल वैक्सेस, अब ये पूरा का पूरा वैक्स आपका निकल गया। अब ये जो वैक्स निकल गया तो अब आपके पास ये जो अवेलेबल हुआ ये मोल्ड कैविटी तैयार हुआ। इस मोल्ड कैविटी में अब हम पिघला हुआ मेटल डालेंगे। ये मोल्ड कैविटी किस मेटल की है, रिफ्रेक्टरी मतलब जो कि हाई टेम्परेचर को वियर कर सकता है और थिक सफिशियंटली है, दैट डिपेंड्स कि हमने यहाँ पर जो लिया हुआ है वो सफिशियंटली थिक है। अब इसके ऊपर हमने यहाँ पर स्टेप नंबर छह में
पोरिंग आउट मेटल। अब हमने इसके अंदर मेटल को फिल करना शुरू किया। मेटल को फिल करते ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी कास्टिंग बनना तैयार हो जाएगी। ये देखिए अब ये मोल्ड ट्री है, मोल्ड ट्री में अब आप देखेंगे यहाँ पर डिप होना शुरू होगा और ये यहाँ पर अगर आपकी मेटल फिल हो जाएगी। ऊपर से आपने पोरिंग मेटल डाला हुआ है और पोरिंग मेटल जो है वह आपका इसके अंदर आएगा और इस तरीके से इस कास्टिंग में आपका मेटल जो है वो फिल हो जाएगा। ये देखिए ऊपर से आ रहा है और आपको इसमें कलर भी दिखेगा डिफरेंट। हाँ ये देखिए लाइट कलर जो है वो पिघला हुआ मेटल जो है वो आपका आ रहा है। तो ये जो पूरा शेल है, ये ट्री है जो हमारा बना हुआ, जिसमें से मोम पिघल के बाहर निकल चुका है, हालो शेप है, बाहर केवल हमारी रिफ्रेक्टरी मटेरियल्स की या स्टको की कोटिंग है, उसके अंदर हम हमारा बाय ग्रेविटी पॉर करेंगे मेटल को। अब पॉर होने के बाद अब हम इसको कूल होने रख देंगे, ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद अब हमारी नेक्स्ट स्टेप जो आएगी, ठंडा होने के बाद हम इसको पकड़ के हिलाएंगे, शेक करेंगे, जिससे कि बाहर की जो भी हमारी कोटिंग है वो देखिए आप निकल के बाहर हो जाए। ये हम शेक आउट कर रहे हैं। इसको हाथ से भी कर सकते हैं या मशीन से भी कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी जो कोटिंग है वो आपकी जो है बाहर निकल जाएगी और आपको एक ट्री शेप का मेटल का बना हुआ पीस मिलेगा। ये देखिए आपका निकल रहा है, स्टेको कोटिंग जो है वो आपकी निकल रही है। और इसके बाद आप पिक्चर में देख रहे हैं कि कोटिंग निकलने के बाद अब आप इस वाले पिक्चर में देखें तो आप देखेंगे कि पूरी पूरी ये जो कोटिंग है आपके हिलाने से बाहर की ओर निकल आई है और आपका जो ट्री था मोम का बना हुआ वो पूरा पूरा आपको मेटल का दिख रहा है। अब इस मेटल का जो है, मैं आपका सचिन आपकी बात का जवाब देता हूं, पहले मैं इसको लेट मी फिनिश कि आपकी फाइनल कास्टिंग तैयार है। इस कास्टिंग में ये वाली जो पीसेस दिख रहे हैं जो आपने बनाए थे विक्स पैटर्न, ये आपके बेसिकली पैटर्न मतलब कास्टिंग है। और ये जो बीच वाला हिस्सा आपका स्क्रू है या गेट है या पोरिंग बेसिन है, ये आपका निकल करके बाहर जाएगा और एज अ स्क्रेप आप आगे यूज करेंगे। तो फाइनल कास्टिंग जो है आप इसको कट करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, बेसिकली वी आर सेइंग ट्रिमिंग, ट्रिमिंग करेंगे। तो ये छोटे छोटे पीस जो है मेटल पैटर्न के वो आपके बाहर जाएंगे और बाकी का हिस्सा जो स्क्रेप में आप नेक्स्ट साइकिल में फिर से आप पिघला सकते हैं। तो इस तरीके से हम देखें तो टोटल हमारी पहले हमने एक पैटर्न बनाया वुड का मेटल का, फिर हमने वैक्स का पैटर्न बनाया, फिर हमने वैक्स के पैटर्न को ट्री बनाई, वैक्स का पैटर्न इंजेक्शन मोल्डिंग के द्वारा बनाया, फिर हमने उसका ट्री बनाया, ट्री को हमने फिर इसके बाद नेक्स्ट हमने स्लरी सेरेमिक स्लरी में डिप किया, फिर हमने स्टको कोटिंग की, इसके बाद हमने उसको हीटर के सामने मेल्ट किया वैक्स को, फिर हमने पॉरिंग की, पॉरिंग के बाद फिर हम देखें तो पॉरिंग के बाद हम नेक्स्ट आते हैं कि उसको मेल्ट डिपॉजिट होने दिया, कूल होने दिया मेटल को, और मेटल को कूल होने के बाद अल्टीमेटली फिर हम जब आगे गए तो फिर हमने उसको क्या किया, शेक किया, जिससे कि जो कोटिंग थी ऊपर की वो निकल करके बाहर आ जाए, और फाइनली जो है हमने उसको ट्रिम किया और हमारी कास्टिंग जो है वो हमने वहां पर ली। सिरेमिक एक रिफ्रेक्टरी मटेरियल है। यदि आप ईंट की बात करें या ब्रिक की बात करें तो ईंट जो बनती है मिलकर के वो कहलाती है रिफ्रेक्टरी मटेरियल। इसी तरह से सिरेमिक आप गूगल पर भी डालेंगे तो आपको कंपोजिशन मिल जाएगा। सिरेमिक मतलब सिलिका का ही एक अप्रूव वर्जन है सिरेमिक, जिसका नाम है। बट आप ये समझ लें सिरेमिक एक अग्निरोधक या रिफ्रेक्टरी मटेरियल अभी के स्थिति। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि हम यहाँ पर देखें कि इस पिक्चर को देखने के बाद हम इस स्टेज पर पहुंच जाएंगे। अब हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पढ़ सकते हैं क्योंकि इसको देखना बहुत जरूरी था। जब तक हम इसको देखते नहीं हमको ये समझ में नहीं आता ये वेक्स क्या है, पैटर्न क्या है। अब हम इसके बारे में बात कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद कि इसका नाम इन्वेस्टमेंट क्यों है या लास्ट वेक्स खोया हुआ मोम कास्टिंग क्यों बोलते हैं। अब हम इसके बारे में बात करें, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट की बात करें। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कुछ रुपए बैंक में जमा करे 100 रुपए, कुछ समय बाद हमने 100 रुपए वापस ले लिए, लेकिन उसके साथ हमें कुछ इंटरेस्ट भी मिला, तो ये कहलाता है इन्वेस्टमेंट और बदले में रिटर्न। यहाँ पर देखिए आपने देखा होगा नंबर पहला नंबर टू पर हमने वैक्स का एक मतलब मोम का हमने पैटर्न बनाया
और बाद में पिघला के मोम को वापस ले लिया, यानी हमने 100 रुपए लगाए और 100 रुपए वापस ले लिए, तो ये कहलाता है हमारा इन्वेस्टमेंट। और चूंकि हमने मोम को वापस ले लिया तो लास्ट वेस्ट, और बदले में हमें क्या मिल गया, एक हमने कास्टिंग बनाई सिरेमिक कोटिंग की, इसलिए हम इसको हम लास्ट वेस्ट कहते हैं। कि बिगिनिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं, प्रारंभ में वेस्ट का मॉडल बनाते हैं, मास्टर पैटर्न जो डाई के द्वारा बनाया था हमने। उसके बाद ये जो वेस्ट का मॉडल है इसको हम प्री कोटेड करते हैं या पूर्व परत चलाते हैं, पहले रिफ्रेक्टरी मटेरियल की, अग्निरोधक पदार्थ की, और बाद में फिर कई टाइम इसको रिफ्रेक्टरी ग्रेन्स के द्वारा अनेक परतें चलाते हैं, मल्टीपल आपने देखा, और बाद में हम पिघलाकर मोम को बाहर निकाल लेते हैं। द लास्ट मॉडल इज मेल्टेड एंड वाइप आउट। तो इस तरीके से हम देखेंगे हम वेक्स का पैटर्न बना रहे हैं, बाद में पिघला के वेक्स को बाहर ले रहे हैं, इसलिए हम इसको लास्ट वेक्स इन्वेस्टमेंट, वी आर इन्वेस्टिंग वेक्स टू मेक कास्टिंग, इसलिए हम इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग या वेक्स। अब ये तो हो गया इसका क्यों कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको परीक्षा में लिखना है वो ये है कि इसके स्टेप्स क्या है। इसकी पहले स्टेप थी हमारी कि मास्टर पैटर्न बनाना वुड या मेटल का, जिससे कि हम लास्ट वेक्स पैटर्न लेंगे या मोम का पैटर्न बनाएंगे। तो वुड और मेटल से हम बनाएंगे क्या, डाई सेट। तो पहले हम डाई सेट बनाते हैं वुड या मेटल के पैटर्न से। ये वीडियो में आपको स्टेप नहीं दिखाई गई थी, डायरेक्ट डाई दिखाई गई थी। अब स्टेप नंबर टू में कुछ पिक्चर से इसलिए इस तरीके से लिखा है। स्टेप नंबर टू आपने देखा है, दो डाई है, यहाँ पर हमने इंजेक्शन मोल्डिंग किया तो आपको ये पैटर्न मिलकर बाहर आ गया, इसको हम बोलेंगे वैक्स पैटर्न। यूजली पॉलिस्टरीन प्लास्टिक मटेरियल का होता है जो कि 65 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 35 से 70 बार पर इंजेक्ट किया जाता है। ये आपका बन गया वैक्स पैटर्न, ये लास्ट वैक्स पैटर्न। फिर इससे आपने पैटर्न को अटैच किया आपने स्क्रू पर, तो इसको बोलते हैं पैटर्न असेंबली। ये पैटर्न असेंबली आपकी बनी नंबर तीन नंबर की स्टेप पर। नंबर चार के स्टेप में बड़ा कंफ्यूजन है कि पहले है प्री कोटिंग, प्री कोटिंग है सिरेमिक की। सिरेमिक मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, इट इज अ रिफ्रेक्टरी कोटिंग मटेरियल, अग्निरोधक पदार्थ की है, इसकी हम कोटिंग की प्री कोटिंग करते हैं सिरेमिक की, प्री कोटेड। और उसके बाद फिर हम स्टको कोटिंग, स्टको क्या होता है, ग्रेन्स होते हैं हमारे रिफ्रेक्टरी ग्रेन्स, दिस इज कॉल्ड स्टको। इसमें हम वेट, जो गीली आपकी पहली वाली प्री कोटेड गीली वाली है वेट स्लरी की है, उसको हम डिप करते जाते हैं। साइज और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर हम इसको सेवरल टाइम्स डिप करते हैं और 10 घंटे तक इसको सुखाते हैं। दिस इज द डिपिंग इन स्लरी। द नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं डीवैक्सिंग। अब आपने देखा था इसके बाद कि जो ट्री बना हुआ है हमारा, जिसमें कि ऊपर वाली लेयर जो है आपकी रिफ्रेक्टिव मटेरियल की कोटिंग है, अंदर वैक्स है, इसको लेकर के हम हीटर के सामने रख देते हैं तो 90 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब यदि हम रखें तो नीचे से पूरा वैक्स देखिए आप पिघल करके बाहर आ रहा है, इसको बोलते हैं डीवैक्सिंग बाय हीटिंग। यहाँ पर चित्र एक माध्यम है, आप कोई भी एक चित्र बना दें, मल्टीपल चित्र बनाने में टाइम वेस्ट ना करें, लेकिन स्टेप आपको सारी लिखना है। डीवैक्सिंग के बाद फिर आप पॉर करेंगे मेटल को इनटू द मोल्ड, मोल्ड में आप कौन सी है रिफ्लेक्टिव मेटल की कोटिंग से। इसके बाद कास्टिंग बनने के बाद आप उसको सिरेमिक सेल को आप शेकिंग करेंगे या क्लीनिंग करेंगे और फाइनली जो है ट्रिमिंग कर देंगे इंडिविजुअल कास्टिंग को और उसका इंस्पेक्शन करेंगे। इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कास्टिंग की जो स्टेप्स है एग्जाम में ये लिखने आती है, और आप पिक्चर जो है फोटो आपके बुक में क्यूबी में और पीडीएफ में भी मैंने जो दी उसमें भी बनी हुई है। एक छोटी सी असेंबली बना दे इस तरह की कि हम ये पैटर्न चाहते हैं और एक ट्री बना दे जिसमें नंबर आ रहा है। अब स्टेप्स जरूर लिखना है आपको, स्टेप्स फिर से देखिएगा यदि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन हो। सबसे पहले स्टेप मास्टर पैटर्न बनाएंगे वुड या मेटल का, जिससे हम क्या बनाएंगे डाई सेट। ये वीडियो में नहीं था एनिमेशन। डाई सेट के बाद फिर हम इसमें क्या करेंगे, इंजेक्शन मोल्डिंग करेंगे 65 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब, टेम्परेचर रहेगा 35 से 70 बार रहेगा, और स्टील प्लास्टिक मटेरियल होता है जिसको हम वैक्स के रूप में यूज करते हैं, इससे हम पैटर्न बनाएंगे। फिर थर्ड नंबर पर पैटर्न की असेंबली बनाएंगे, फोर्थ नंबर पर प्री कोटिंग और कोटिंग करेंगे। प्री कोटिंग सेरेमिक की होगी और कोटिंग जो होगी स्टको की होगी। और उसके बाद हम देखें, इसके बाद आप डीवैक्सिंग करेंगे। डीवैक्सिंग यानी कि मेटल को पिघलाएंगे, आप वहां पर मोम को पिघलाएंगे। पिघलाने के बाद आप इसको क्या करेंगे, पॉर करेंगे, चूंकि खाली हो चुका है मोम, वहां पर जगह खाली है, वहां पर मेटल को आप पिघलाएंगे। फिर शेकिंग करेंगे, शेकिंग मतलब उसको हिलाएंगे तो जो भी कोटिंग है वो बाहर हो जाएगी। कभी कभी हो सकता है हाथ से या फिर मशीन का उपयोग करें। बाद में ट्रिमिंग करके आप जो पीस निकालेंगे जो चाहिए थे आपको वो आप इंस्पेक्ट करेंगे। कहाँ उपयोग होता है इसका, खास चीज ये जहां पर कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो, जटिल अभिकल्पन या
रिपीटेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट हो, बहुत सारे कंपोनेंट एक जैसे चाहिए हो, पुनरावर्तनीयता या फिर क्लोज टॉलरेंस, बहुत क्लोज डायमेंशन चाहिए, उन जगह पर हम इस कास्ट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं। जैसे कि आप देखें एरोस्पेस और पावर जनरेशन में जो टर्बाइन की ब्लेड होती है उसकी जो शेप होता है बड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो वहां पर टर्बाइन की ब्लेड्स को बनाने का काम जो किया जाता है वो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा जो स्टैंडर्ड पार्ट्स, देखिए रिपीटेबिलिटी कारण क्या, स्टैंडर्ड पार्ट्स जो बहुत सारे मिलिट्री में है, ऑटोमोबाइल में है या मेडिकल में है, वहां पर भी हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग का उपयोग करते हैं। इस तरीके से आज हमने जो स्टेप्स डिस्कस की है वो थी हमारी इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, जिसमें हमने एक एनिमेशन की मदद से लिया है, एक मैंने आपको स्टेप्स की पूरी टेबल्स बनाई हुई है, क्यों उपयोग होते हैं, कहाँ उपयोग होते हैं, इसके मामले में हमने बात किया है। अब मैं ओपन करता हूँ कि डिस्कशन कि यदि किसी को कोई भी समस्या हो तो वो यहाँ पर बात करे। यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोग जो लोग आए हैं वो अपने अपने रोल नंबर शीट में डाल दें, जिससे कि मैं उनका अटेंडेंस भी देख सकूं। तो अटेंडेंस के लिए आप अपने रोल नंबर लिख लें, शुरू के 3-4 तो मैंने कर लिए थे। अब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, तो जिसका या तो आप चैट के थ्रू ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे मैं अनम्यूट भी कर रहा हूँ, लेकिन अनम्यूट में ध्यान रखें कि एक दूसरे की आवाज डिस्टर्ब ना हो, जहां से डिस्टर्ब हो बंद कर ले। मैंने अनम्यूट कर दिया, आप कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं, बोलिएगा। आज की क्लास के बारे में जैसा हमने देखा, आप लोगों ने जो प्रश्न पूछा था सिरेमिक के बारे में वो मैंने बता दिया है कि ये अग्निरोधक पदार्थ या रिफ्रेक्टिव मटेरियल का होता है, और हम यहाँ पर अपनी क्लास को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।